हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं सागर। और आज का जो ये वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि जीमेल क्या होता है। हम लोगों ने पिछले एक वीडियो में देखा था कि ईमेल क्या होता है। हम लोगों को ईमेल तो समझ में आ गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये क्वेरीज किया कि सर, जीमेल क्या होता है और ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग देख लेते हैं जीमेल क्या है इस वीडियो में, और फिर कभी वीडियो में मैं बता दूंगा कि जीमेल और ईमेल में क्या अंतर होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेनली कि जीमेल क्या है, कब आया और कैसे काम करता है, इसके बारे में आज डिटेल्स देखेंगे। तो जीमेल एक प्रकार का वेब सर्विस है। मतलब कि अगर आपको किसी को मेल करना है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि जब किसी को मेल करते हैं तो एक उसका एड्रेस का जरूरत होता है, एक मेरा एड्रेस को जरूरत होता है। तो एड्रेस मतलब पता। अगर आप जहां पे रहते हैं तो वहां एक घर होता है, तभी वो एड्रेस कहलाता है। आप ग्राउंड में बैठ के नहीं बोल सकते ये मेरा एड्रेस है। उसी तरह से ईमेल, जब आप किसी को भेजते हैं तो ईमेल एड्रेस का जरूरत होता है, और जिसको आप भेज रहे हैं उसका भी और आपका भी। तो जो ईमेल आईडी आप जहां बना सकते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, वही होता है जीमेल। तो जीमेल इस तरह से बहुत सारे चीज है। जीमेल है, याहू मेल है, रिडीफ मेल है, हॉटमेल है, आउटलुक है। इस तरह से बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह से जीमेल, जीमेल एक प्रकार का सर्विस है गूगल का। गूगल ने ही इस दोस्तों, आप भी अगर बोलना जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मेरा आवाज बहुत अच्छा है और अपनी आवाज के बल पे आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो देरी मत कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है खबरी ऐप का। उस खबरी ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, और डेली का जो कुछ आपको आता है, जिसमें आप टैलेंटेड हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए और वहां पे अपलोड कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, और उससे आपको पैसा अर्न होगा। इसमें कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पैसा कमाना है। तो देरी मत कीजिए, नीचे में हमारा लिंक दिया हुआ है खबरी ऐप का, वहां पे जाएं, ऐप को इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में, और मेरा जो चैनल है बारक्राफ्ट इन्फोटेक, उसको जरूर से जरूर फॉलो कर ले, और बगल में जो उसका बेल आइकन मिलेगा उसको भी दबा ले। और गूगल ने इस सर्विस को लॉन्च किया था 21 मार्च 2004 को, जी हाँ। और उसी दिन से जब वो गूगल ने बनाया मेल को, मतलब चिट्ठी भेजने का एक तरीका, एक प्लेटफॉर्म आपको दिया, और देने वाला कौन है? गूगल। तो गूगल, इसलिए उसके पहले जी लगा होता है, और मेल तो मैंने पहले बता चुका कि मेल मतलब चिट्ठी होता है, तो जी मतलब गूगल और मेल मतलब चिट्ठी। तो जी मेल मतलब गूगल के द्वारा बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप बैठ करके आसानी से अपने ईमेल को भेज सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है यहाँ पे कि जीमेल आपको एक ऐसा फैसिलिटी देता है कि जिससे आप सारे ईमेल्स को ऑनलाइन रख सकते हैं। ईमेल्स ऑलरेडी ऑनलाइन ही रहता है, आपको उसको डाउनलोड करके रखने की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी में रखने की जरूरत नहीं है। आप उसको ऑनलाइन रखिए, कहीं भी कभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई भी जानकारी हो, इंपॉर्टेंट जानकारी हो। तो आज के समय में हम लोग को कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है, नोटबुक कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर ईमेल है तो आप वहां पे रख सकते हैं। मतलब अगर आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का अगर ईमेल आप बना के रखे हैं तो आप उसमें रख सकते हैं। तो जीमेल, जैसा मैंने बताया कि जीमेल गूगल का ही एक मेल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप चिट्ठी भेजने और रिसीव करने का काम करते हैं। अगर आप जीमेल पे आईडी बनाना नहीं चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको वो दिया हुआ है, एक टॉपिक बनाया हुआ है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। और कितने लोगों ने अभी तक जीमेल नहीं बनाया है या बनाए हैं, अगर आप जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मैं इस्तेमाल करता हूं। अगर आप नहीं करते तो भी आप बताइए कि मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, आप करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन है उसको जरूर से जरूर दबा ले। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।